जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ वृंदवासिनी। डीबी भारती समाचार में आपका स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आज स्थानांतरण के योग, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी राशि है वृक्ष। अनायास अचानक धन लाभ के शुभ संकेत। घर परिवार वालों से अच्छे संबंध रहेंगे। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको भाग्य का उदय होगा। कृषि करते हैं या व्यापार आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने की स्थिति भी बन सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज आपको शत्रु आपके परास्त होंगे। मित्रों से सहयोग होगा। भाई बंधुओं से आपको सुख प्राप्त होगा। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को अनायास अचानक शुभ धन लाभ के संकेत। जमीन व्यापार का काम आप शुरू कर सकते हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन नए पद की प्राप्ति होगी एवं कोई गुडलक शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन जीवन में जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जो कि मानसिक तनाव बेचैनी की ओर ले जा सकती है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन यदि आप जमीन का व्यापार शुरू कर सकते हैं आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को आप पुखराज व्रत धारण करें जो कि श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपके लिए शनि साढ़े साती महादशा का अंतर लास्ट की ओर है। नीलम रत्न पहने अथवा श्री हनुमान जी की आराधना करें। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों को अनायास आपको आज कोई सुख या पूर्वक कोई नई सुख सूचना प्राप्त हो सकती है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। किसी पूर्ववत पद पर प्रतिष्ठित हैं, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीबी भारती समाचार। नजर हर खबर पर।